4 तारीख तो 4 जनवरी तो एक्टिव हो जाएगा, एंड फिर 4 तो स्टार्ट होके 5 ते 6 नू बारिश है, फिर भी थोड़ा क्लियर होके, पर नाल ही उधर फिर एक लगातार होर वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रही है, सो दो लो प्रेशर सिस्टम्स आ रहे हैं। सत श्री अकाल जी, तुसीं गुरदाना टाइम्स में शिवप्रीत कौर, वेदर दा अपडेट तुहाडे सामने लैके आए हैं कि हुण मौसम विच काफी बदलाव देखण नूं मिल सकदा है। 4 तारीक तो मौसम विच काफी बदलाव जिहड़ा, यानी अज जिहड़ी 4 तारीक है, अज भी सवेरे मीह पिया सी ते इस दे चलदे हुण अज भी 4 ते 5 अते 6 तारीक नूं मीह पैण दी संभावना दसी जा रही है। पंजाब विच हुण मौसम विच बदलाव आएगा, जिहड़ा टैंपरेचर उस विच गिरावट देखण नूं मिल सकदी है, ते कई जिलियां विच गड़ेमारी होण दी भी संभावना दसी जा रही है कि हुण मौसम है उस विच काफी बदलाव आएगा, ते जिहड़ी ठंड है होर वध सकदी है, ते इस दे नाल ही जिहड़ी टैंपरेचर है उस विच गिरावट आ जाएगी। पर जिहड़े किसान ने जिन्हां ने सब्जियां उगाईयां ने, इह बारिश जिहड़ी है उन्हां वास्ते लाहेवंद दसी जा रही है। तुहानूं दस दईए कि गल जिक्र योग है कि इस साल नवंबर ते दिसंबर विच मीह नहीं पिया, इस करके हुण जनवरी विच तुहानूं मीह देखण नूं मिल सकदा है, बारिश पै सकदी है, ते इस दे नाल ही मौसम विच काफी बदलाव देखण नूं मिल सकदा है, टेंपरेचर विच जिहड़ी गिरावट आ सकती है। यह इसका कारण जिहड़ा मुख कारण दसिया जा रहा है कि वैसटर्न डिस्टर्बेंसिज ने, जिस करके हुण मीह पै रहा है, तो 4, 5 अते 6 तारीक नूं मीह देखण नूं मिल सकता है, ठंड भी वध सकती है, इहदे नाल टेंपरेचर विच काफ़ी गिरावट आ सकती है, जिहड़ा ते कई जिलों में जिहड़ा है गड़ेमारी होने की भी संभावना दसी जा रही है। तो इस करके थानू जिहड़ा है थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, तो इस जी हूँ सुखी ठंड जी चल रही थी उस तो काफ़ी लोगों को राहत मिल सकती है, तो जी सुखी ठंड में जोड़े लोग बीमार रेंगे उन्होंने उस चीज़ तो राहत मिल सकती है, तो फसलों वास्ते ये किसानों वास्ते जी बारिश है काफ़ी लाहेवंद दसी जा रही है कि जिन्हें किसानों ने सब्जियां उगाइया ने उन्होंने वास्ते ये बारिश जी है काफ़ी लाहेवंद है, उन्हां वास्ते बारिश वधिया है। ये गल दस दिए कि नवंबर दिसंबर में इस बार तुहानू मीह देखण नूं नहीं मिलिया, पर हुण जनवरी विच बारिश हो सकती है, तो इस दे नाल मौसम विच काफ़ी उतार चढ़ाव देखण नूं मिल सकते हैं। तो इस दे चलदे ही पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी PAU दे जिहड़े मौसम विज्ञानी ने उन्हां वालों भी यह दस्सिया गया कि हुण वाइड स्प्रैड भी हो सकता है, तो इस दे नाल ही वैसटर्न डिस्टर्बेंसिस करके वाइड स्प्रैड होण दी संभावना दसी जा रही है, तो इस दे नाल उन्हां ने भी इस बारे हुण की किया है वह भी तुसीं सुण लवो। जिहड़ी सानू IMD तो फोरकास्ट आई है, जिहड़ियां क्लाउड पिक्चर्स है उन्होंने अकॉर्डिंगली इस वेले, क्योंकि पिछले दिनों तो असी देखिया है कि थोड़ा साफ मौसम देखने को मिल रहा सी, धुंद भी घट पै रही सी, बट ठंड सी, पर हुण वैसटर्न डिस्टर्बेंसिस आन वाइड स्प्रैड बारिश की फोरकास्ट है। ये सिस्टम जिहड़ा हैगा है तकरीबन 4 तारीक तो 4 जनवरी तो एक्टिव हो जाएगा, एंड फिर 4 तो स्टार्ट होके 5 ते 6 नू बारिश है, फिर भी थोड़ा क्लियर होके, पर नाल ही उधर फिर एक लगातार होर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, सो दो लो प्रेशर सिस्टम्स आ रहे हैं। नाल दे नाल इस वारी वाइड स्प्रेड रेनफॉल इस करके भी होएगी कि अरेबियन सी, जिन्हों असी अरब महासागर कहने हैं, उधर तो भी इन्हें मॉइस्चर लेना है, सो ये मॉइस्चर लेना है कि पूरे पंजाब भर के वाइड स्प्रेड बारिश होएगी, कई थावां ते थोड़ी ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, बट वैसे ज़्यादातर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल है, किते किते गड़ेमारी भी हो सकती है, एंड गरज चमक के नाल छिट्टे पैणगे, एंड नवंबर दिसंबर महीना क्योंकि ड्राई गया, सो इस करके जिहड़ी बारिश है इस वेले सुक्की ठंड जिहड़ी चल रही सी उहदे तों लोकां नूं राहत मिलेगी। जिहड़ियां साडियां फसलां ने उहनां वास्ते सर्द रुत्त दी जिहड़ी फसल हैगी है कणक है उहदे वास्ते बड़ी अच्छी अनुकूल है, एंड इस वेले जिहड़ी बारिश होएगी वो साडी कणक दी फसल वास्ते लाहेवंद होएगी, क्योंकि किसान वीरां नूं फिर इरीगेट करन दी लोड़ नहीं पएगी जिथे किते बारिश हो जाएगी। सब्जियां भी जिहड़ियां ने उहनां नूं भी ये बारिश, क्योंकि लाइट रेनफॉल होएगी सो लाहेवंद होएगी। बरसात तो बाद टैंपरेचर किन्ना डाउन जाएगा? इन्हां दिनां दे विच साडे जिहड़े दिन दे तापमान है वह तकरीबन 18, 19 या 20 डिग्री सैलसीयस चल रहे हैं, तो रात दे तापमान जिहड़े है वह 4 तो 6 डिग्री दे दरम्यान ने। जदों सिस्टम पास हो जाएगा उहदे बाद जिहड़े रात दे टैंपरेचर हैगे है उहनां 'च थोड़ी गिरावट होएगी, बट वैसे साडे जिहड़े इस वेले टैंपरेचर चल रहे आ वह नीयरली ऑप्टिम नॉर्मल रेंज 'च चल रहे हैगे आ, इन्हां दिनां दे विच इन्ने ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, कोई रिकॉर्ड लो या हाई टैंपरेचर नहीं है।
जो ये सिस्टम पास करेगा एंड क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी हो जाएगा एंड टेंपरेचर्स लोअरिंग हो जाएंगे उसके बाद फिर थोड़ा फॉगी वेदर आप देखेंगे। तो ये सीगे पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के विज्ञानी जिन्होंने जिहड़ा मौसम है मौसम की संभावना दसी है। तो उन्होंने यह भी कहना है कि हुण जिहड़ी बारिश हो रही है उसके नाल जिहड़े काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं तो टेंपरेचर में काफ़ी गिरावट आ सकती है। तो थानू भी हुण ध्यान रखना चाहिए तो सतर्क रहना चाहिए है क्योंकि हुण जिहड़े बारिश है उस करके वाइड स्प्रैड भी हो सकता है तो यह सब जिहड़ी वैसटर्न डिस्टर्बेंसिस करके जिहड़ा है मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है तो ठंड भी होर वध सकती है। तो और वधेरे अपडेट्स लई साडे नाल जुड़े रहो। मैं शुभप्रीत कौर, लुधियाना टाइम्स।